तो मतलब रात में इतनी शाइन कर रही है, तो ये सोचो दिन में कितनी शाइन करेगी। ओ भाई जो मेरे को लग रहा था गाइस वही हुआ इसमें। अभी एक मिनट में गाड़ी से बाहर निकलता हूँ। तो इसमें गाइस वही हुआ जो मेरे को लग रहा था, इसीलिए ये मेन स्किन है। अभी आप देखो उस बंदे की जो गाड़ी की स्किन है, इसमें देख सकते हो इसमें जो स्पॉइलर है वो पहले से ही निकला हुआ है, ठीक है। बट इस गाड़ी की अगर आप, मैं इसमें बैठता हूँ तो आप इसमें देखो, इसमें स्पॉइलर अभी नीचे की साइड है, मतलब इसमें स्पॉइलर अभी गाड़ी के अंदर है। तो जब मैं गाड़ी को यूज करूंगा बूस्ट भी तभी निकलेगा और स्पॉइलर भी तभी बाहर आएगा। ओ भाई 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 भाई, अभी देखना इस गाड़ी की चीज। एक मिनट, मेरे को गाड़ी से वापस निकलना पड़ेगा। हाँ अब बैठना पड़ेगा इसमें। तो अभी देखो, ओ भाई जैसे ही मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, देखो इसका स्पॉइलर ऊपर उठते जा रहा है भाई। सबसे ओपी स्किन है। व्हाट गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स के। और अगर गाइस आप ये सोच रहे हो कि मैं फोर्ट लेकर क्यों ये वीडियो बना रहा हूं और इसको मैंने इतने गंदे कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं, तो वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होने वाला है, मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो कोशिश करना कि आप वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ध्यान से देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि जो न्यू इवेंट में जो स्किन्स हैं वो मैंने कम डायमंड में कैसे निकाल लिए। अब सबसे पहली चीज मैं आपको, देखो एक चीज बताता हूँ, मैं गेम खेल के, मतलब गेम ऑफ करके बस सोने जा रहा था। सो गाइस अब हुआ क्या कि मैं गेम खेलकर ऑफलाइन जाने वाला था, फिर मैंने सोचा चलो टोकन टावर, ये जो इवेंट है टोकन टावर बोलते हैं इसको, कि इसमें चलो स्पिन कर लेते हैं। अब गाइस दिक्कत क्या थी, मेरे पास थे 151 डायमंड, मतलब कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 151 डायमंड थे। और मैंने आज से पहले कभी भी टोकन टावर में स्पिन नहीं किया, क्योंकि जब जब टोकन टावर आए थे तब मैं उस टाइम गेम्स को नहीं खेल रहा था, मैं फ्री फायर नहीं खेल रहा था। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इसमें मतलब कितने डायमंड लग सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें कम से कम 2000 डायमंड लगने ही लगने हैं, कम से कम 2000। अब जब उन्होंने ये चीज बोली कि 2000 डायमंड लगने हैं, तो मेरे को लगा कोई फायदा नहीं है इसमें स्पिन करके। बट यहाँ ये दो दो टोकन पे ना ये लूट बॉक्स मिल रहा था काफी अच्छा सा, तो मेरे को लगा चल शायद 150 डायमंड में ये लूट बॉक्स मिल जाए तो मेरे को मतलब मेरा काम बन जाएगा। मैंने सोचा कि अब ये स्किन तो निकलने नहीं वाली, तो 150 डायमंड में ये लूट बॉक्स मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं इसमें स्पिन कर रहा था। अब मैं, क्योंकि आप जानते हो मैं गेम खेल के ऑफलाइन जाने वाला था, तो मैं उस चीज को रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि मैंने ये कितने डायमंड में निकाला। बस मैं आपको एज अ प्रूफ ये दिखा सकता हूँ कि मेरी जो कल की लाइव स्ट्रीम थी, जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं डेली उनको पता होगा मेरी लाइव स्ट्रीम में आप देख सकते हो चेक करके, सेकंड चैनल पर मैं लाइव करता हूँ। मेरे पास 151 डायमंड थे और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 11 डायमंड बचे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैंने 150 डायमंड के अंदर जो स्किन को निकाला है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ हिस्ट्री वगैरह जाके कि हिस्ट्री में क्या है, कहाँ से मैंने कितने स्पिन करे, वो मैं आपको समझा देता हूँ सब। तो हुआ क्या, मैंने आया पहले, मैंने 20 डायमंड्स का स्पिन किया और मेरे को मिल गया यहाँ पे सीधा एक टोकन। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने भाई क्या मस्त इवेंट है, सीधा एक स्पिन में एक टोकन मिल गया। मैंने दूसरी स्पिन करी, मेरे को वापस से एक और टोकन मिल गया। फिर मैंने तीसरी स्पिन करी, मेरे को फ्रेगमेंट्स मिले। फिर यहाँ पे वॉल्ट में वो चीजें आ गई थी तीनों, मैंने उन तीनों को यूज करके एक और स्पिन करी, फिर से नहीं निकला। फिर मैंने एक और स्पिन करी तीसरी, उसके बाद एक और करी, एक और करी, तीन स्पिन दोबारा करे, फिर कुछ नहीं निकला। बैग में तीन चीजें आई, उन तीन चीजों से मैंने एक स्पिन और करी, फिर कुछ नहीं निकला। तो ऐसे करते हुए जब मैंने सब कर लिया, मेरे पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 31 डायमंड बचे थे, मात्र 31 डायमंड। लास्ट स्पिन थी, मेरे 140 150 डायमंड पूरे खर्च होने वाले थे। जो लास्ट स्पिन थी मैंने उसमें स्पिन किया, मैंने कहा शायद निकल ही जाए कुछ ना कुछ एक टोकन, नहीं भी निकलेगा तो वो 30 डायमंड का मैं क्या करता क्या, मैंने कहा खर्च कर ही देते हैं। तो जैसे ही मैंने तीसरी स्पिन करी, बूम, मेरे को सीधा मिल गई गाइस ये गोल्ड वाली मैकलेरन की स्किन। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे वॉल्ट में यहाँ पर आ रखी है और मैं इसको सीधा क्लेम टू वॉल्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको अभी क्लेम टू वॉल्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको क्लेम कर लेते, तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया आपके सामने और ये मेरी मात्र 140 डायमंड में निकली है। मतलब मेरी 150 डायमंड भी पूरे तरीके से खर्च नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी 150 डायमंड में निकल गई। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी ट्रिक कि आप कम से कम डायमंड में कैसे निकाल सकते हो। तो एक चीज मैंने अभी जितने भी बंदे थे सबके वीडियोस में देखा यूट्यूब पे, तो सबको फर्स्ट स्पिन में गाइज एक टोकन मिला। तो मतलब गारंटी थी कि, गारंटी समझ लो, गारंटी या नहीं भी, मतलब अधिकतर लोगों का फर्स्ट स्पिन में एक टोकन निकल गया। तो कुछ जिन लोगों ने 90 की स्पिन करी उनका भी एक टोकन मिला, जिन्होंने 20 की स्पिन करी उनका भी एक टोकन मिला। तो सबसे आसान ट्रिक, अगर आप अपने डायमंड कम से कम खर्च करना चाहते हो, तो पहली और दूसरी और तीसरी स्पिन आप सिर्फ और सिर्फ 20 डायमंड की करो, क्योंकि पहली स्पिन में टोकन निकलना ही निकलना है, दूसरी में भी निकलता है बहुत से बंदों का, और तीसरी में भी लगातार तीन तीन टोकन निकले हैं बंदों के। तो आप पहली स्पिन सिर्फ 20 की करो तब निकलेगा। दूसरी बात रही ट्रिक्स की, क्लियर कैसे वगैरह करने की, वो सब मैंने इतना नहीं किया। बस मैंने अपना कैरेक्टर चेंज करा था और मैं जितने भी फ्री के कैरेक्टर्स हैं इन्हीं को यूज करना है, जैसे कि अब क्रोनो या आलोक है, ये लोग
ये डायमंड वाले कैरेक्टर हैं, तो आपको इनको यूज नहीं करना है, आपको ऐसे कैरेक्टर्स का यूज करना है जो फ्री वाले कैरेक्टर हैं जिनको आप गोल्ड में ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी फोर्ड लिया हुआ था, तो मैंने जितने भी स्पिन करे थे सब फोर्ड को लेके करे थे, और मेरा इतना सही लक चला फोर्ड को लेके कि मेरी मात्र 150 डायमंड के अंदर स्पिन निकल गई। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने अभी आपको दिखाए थे, और भी बाकी स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं डाल दूंगा इधर। तो ये देख सकते हो, ये रही मेरी स्किन, मैंने इसको इक्विप कर लिया है। अब देख सकते हो इसकी जो एबिलिटी है वो है टॉप स्पीड डबल प्लस, यानी कि 10% टॉप स्पीड प्लस, ड्यूरेबिलिटी 1+ है, और डैमेज 1-, यानी कि अगर मैं गाड़ी से किसी को टक्कर मारूंगा तो 5% डैमेज कम आएगा नॉर्मल से। वैसे कि देखो, देखने में तो गाइस सबसे ज्यादा ओपी स्किन है, और पूरे इवेंट की मेन स्किन जो है वो यही वाली है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब चमकदार है। आप देख सकते हो इसमें तीन तीन बूस्ट निकल रहे हैं, और बाकी गोल्ड है और बैनर वगैरह पे भी सब ये है, तो यही मेन स्किन है। बट जो एट्रीब्यूट है वो आप देख सकते हो एट्रीब्यूट के, मेरे को इसके पर्पल वाली के एट्रीब्यूट थोड़े ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इसमें डैमेज रिडक्शन प्लस है, यानी कि अगर आप इसके अंदर बैठे हो तो आपको कम डैमेज आएगा बाकी गाड़ियों में जितना आता है उससे, तो ये एट्रीब्यूट सबसे अच्छा लगा था मेरे को। बट कोई बात नहीं, चलता है, ड्यूरेबिलिटी अगर गाड़ी की इंक्रीज होती है तो वो भी अच्छी बात है। तो चलते हैं, मैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड में। मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको इसको चला के दिखाता हूँ, टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसी है ये स्किन। सो ऑल राइट गाइज, हम आ गए ट्रेनिंग ग्राउंड में, चलते हैं सीधा जल्दी से क्या बोलते हैं उसको, रेसिंग ट्रैक पे, और मैं आपको वहां पे चेक करके दिखाता हूँ। आलोक मार के भागते हैं, तेज पहुंचेंगे। तो अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, बट खुद सोचा यार, मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा, आपके डायमंड खर्च होंगे, उससे मेरा क्या ही फायदा होगा। तो मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी कम डायमंड में निकल गई, इसीलिए मैं वो जो खुशी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए, अगर किसी को निकालनी है तो वो स्पिन कर सके, उसको ट्रिक पता चल जाए कि कम डायमंड में कैसे निकाल सकते हैं। सो ये रही अपनी मैकलेरन, यहाँ पे खड़ी हुई है अपनी गोल्ड मैकलेरन, तो इसको हम पहनने वाले हैं, इसको सॉरी इसको लेने वाले हैं, और भी नहीं है ये वाली, यहाँ रेसिंग ट्रैक वाली लेके आते हैं। ओ भाई देखो, साउंड इसकी वही वाली है जो साउंड बाकी उसमें है, तो मैं इधर इसको आई बॉल से दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो भाई साहब, अभी तो रात हो रही है तब भी इतनी शाइन मार रही है। तो एक रैंडम बंदा आ गया, बैठ जा भाई तू भी बैठ जा, तो रैंडम बंदा आके बैठ गया यहाँ पे, तो मतलब रात में इतनी शाइन कर रही है, तो ये सोचो दिन में कितनी शाइन करेगी। ओ भाई जो मेरे को लग रहा था गाइस वही हुआ इसमें, अभी एक मिनट में गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, तो इसमें गाइस वही हुआ जो मेरे को लग रहा था, इसीलिए ये मेन स्किन है। अभी आप देखो उस बंदे की जो गाड़ी की स्किन है, इसमें देख सकते हो इसमें जो स्पॉइलर है वो पहले से ही निकला हुआ है, ठीक है। बट इस गाड़ी के अगर आप, मैं इसमें बैठता हूँ तो आप इसमें देखो, इसमें स्पॉइलर अभी नीचे की साइड है, मतलब इसमें स्पॉइलर अभी गाड़ी के अंदर है, तो जब मैं गाड़ी को यूज करूंगा बूस्ट भी तभी निकलेगा और स्पॉइलर भी तभी बाहर आएगा। ओ भाई 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 भाई, अभी देखना है इस गाड़ी की चीज। एक मिनट, मेरे को गाड़ी से वापस निकलना पड़ेगा। हाँ, अब बैठना पड़ेगा इसमें, तो अभी देखो। ओ भाई, जैसे ही मैं एक्सलरेट कर रहा हूँ देखो इसका स्पॉइलर ऊपर उठते जा रहा है भाई, सबसे ओपी स्किन है। अभी देखो मैं ब्रेक दबाऊंगा, ये स्पॉइलर अंदर चला जाएगा। ओ भाई ओपी भाई, यही इसीलिए ये इवेंट की सबसे मेन स्किन है। जैसे ही मैं बूस्ट दबाऊंगा, जैसे ही मैं एक्सलेट करूंगा, स्पॉइलर बाहर निकल जाएगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी स्पॉइलर उतना ज्यादा बाहर होगा, ये देखो स्पॉइलर पूरा ऊपर निकल गया, और जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा बूस्ट भी बंद हो जाएगा, स्पॉइलर भी नीचे चला जाएगा। ओ भाई जहर, और ये मेरे को 150 डायमंड के अंदर मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मेरे को अभी रात को नींद नहीं आने वाली, सही बता रहा हूँ मैं, रात के 4 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मजा ही आ गया बस। देखो मैं इसको बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको। ओ भाई क्या तो स्किन है भाई, कसम से, रात हो रही है आप देख सकते हो उधर, और इतनी ज्यादा शाइन कर रहे हैं, दिन में तो क्या ही शाइन करेगी। सो दिस वॉज इट गाइज, यही था बस आज के वीडियो में, एक गाड़ी के स्किन कैसे चेंज हो गई भाई इसमें बैठे रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और जिनको रिव्यू देखना है, रिव्यू भी बहुत जल्द आ जाएगा, मैं इसका कंपैरिजन कर दूंगा बाकी जो नॉर्मल स्किन है और वो जो फ्री वाली ग्रीन मैक्लेरन स्किन है उसके साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप मेरे को लाइव देखना चाहते हो गेम खेलते हुए, मैं रैंक पुशिंग कर रहा हूँ फिलहाल, मेरा KD 17+ जा चुका है, 6000+ स्कोर है, तो आप मेरे को रैंक पुश करते हो लाइव देखना चाहते हो तो जाओ सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, मैं डेली 11 बजे लाइव करता हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।